Cry baby. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज मैं आपके लिए हैंडमेड टेल सीजन 3 के एपिसोड 7 और एपिसोड 8 को लेकर आया हूँ। तो क्या गलेट निकोल को वापस ला पाएगा? क्या निक जून की मदद करने के लिए वापस आएगा? क्या जून अकेले अथॉरिटी से लड़ पाएगी? यही हमें आज की इस कहानी से पता चलेगा। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर हैंडमेड्स के जरिए 3 लोगों को फांसी दी जाती है, लेकिन ये लोग कौन थे ये हमें नहीं बताया जाता है। लिंजे के मुताबिक उनको फांसी मिली ये सही बात थी, क्योंकि वे औरत अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट हो रही थी। पर जून इस बात से बहुत ही नाराज थी। यहाँ पर लिंजे भी प्रेग्नेंट थी, पर वो इस प्रेगनेंसी से बहुत ही परेशान थी। और तब जून उसे हिम्मत देती है। जून भी अपने पहली हैंडमेड की प्रेगनेंसी से बहुत डरी हुई थी और शर्मिंदा भी थी। लेकिन लिंजी अपने प्रेगनेंसी से शर्मिंदा नहीं थी, उसके मुताबिक तो उसका बच्चा गॉड की दुआ है। सीन कट होता है और जून अब मार्केट जाती है, जहाँ पर मोनी जून से बात करने के लिए बाकी हैंडमेड के साथ मिलकर लिंजी को बहाने से दूर ले जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जून मिस मैकेंजी की मेड रीटा से मिलती है। जून रीटा के जरिए एलिजाबेथ की जानकारी लेती है और जून रीटा को ऑफर देती है कि एलिजाबेथ को वहाँ से निकालने में वो उसकी मदद करे। और तब मिस्टर लॉरेंस की मदद से उनके साथ वो भी यहाँ से निकल सकती है। तब रीटा जून को पार्कर नाम के एक आदमी का नाम बताती है जो कि जून की मदद कर सकता था। और यहाँ पर उनको बात करता हुआ लिंजी दूर से देख लेती है। हमें अब फिर कनाडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कनाडा की अथॉरिटी ग्लेनोवा से सवाल पूछ रही थी कि उसने गलेट में कौन कौन से क्राइम किए थे। और गलेट की अथॉरिटीज ने कनाडा की अथॉरिटीज को बता दिया था कि ग्लेनोवा ने एक बार पब्लिक प्लेस में गाड़ी चलाकर एक गार्ड को मार डाला था और एरिका को भी उसने चाकू से वार किया था। दूसरी तरफ ओलिविया जून को एक घर दिखाती है जहाँ पर वो और फ्रेड रह सकते थे। उस घर के लोगों को या तो मार दिया गया होगा या फिर वो लोग खुद वहाँ से भाग चुके होंगे। घर में सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी थी और सेरेना का वो घर बहुत ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ जून एलिजाबेथ से मिलने के लिए बहुत ही खुश थी, लेकिन कोई भी हैंडमेड उसके मालिक के बिना इतनी दूर नहीं जा सकती थी। तब जून मिस लॉरेंस को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए उनको अपनी बातों में फंसाने लगती है। मिस लॉरेंस कभी भी घर से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि वो थोड़ी मेंटली डिप्रेस्ड रहती थी, लेकिन फिर भी वो जून की बातों में आकर बाहर जाने के लिए मान जाती है। जून फिर उनको बाहर लेकर जाती है और रास्ते में मिस लॉरेंस जून को अपनी बातें शेयर करती है। मिस लॉरेंस हमेशा से ही एक बेबी चाहती थी, लेकिन मिस्टर लॉरेंस ऐसा नहीं चाहते थे। पर आज जो गलेट की हालत से उसके स्ट्रिक्ट रूल से उसे देखकर तो यही लगता है कि उन्होंने बेबी न पैदा करके अच्छा ही किया होगा। जून को मिस लॉरेंस की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता और उनको वो सच बता देती है कि वो अपनी बेटी को देखने के लिए मिस लॉरेंस को अपने साथ में लेकर आई है। लेकिन इस बात पर मिस लॉरेंस को गुस्सा नहीं आता है और वो जून को अपनी बेटी से मिलने के लिए अलाउ कर देती है। फिर इधर कनाडा में कनाडा की सरकार गलेट के साथ शांति बनाए रखने के लिए निकोल और बाकी गलेट से भागकर आए लोगों को वापस गलेट में भेजने के लिए सोच रही थी। और इस बात का पता चलते ही बहुत सारे लोग मोरिया और ग्लेनोवा भी प्रेसिडेंट के सामने प्रोटेस्ट करने जाते हैं। प्रेसिडेंट के मुताबिक निकोल की मां ने खुद निकोल को वापस मांगा है। और यहाँ पर ग्लेनोवा भी प्रेसिडेंट को साफ साफ कह देती है कि निकोल की मां ने खुद निकोल को उसके हाथ में देकर निकोल को वहां से बाहर निकालने को कहा था, तो फिर वो क्यों चाहेगी कि निकोल वापस आए। पर प्रेसिडेंट उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब इस तरफ गलेट में जून मिस लॉरेंस के साथ में एलिजाबेथ को देखने के लिए जाती है और वहां पर अडॉप्टेड किए गए बच्चों को जानवर की तरह बांधकर बाहर घुमाने ले जाया जाता। वहां पर पार्कर नाम का कोई गार्ड नहीं था जो कि उनकी मदद कर सकता था। और फिर भी मिस लॉरेंस एक दूसरे गार्ड से पूछती है अंदर रह रही बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन वो गार्ड सिर्फ मिस लॉरेंस को ही अंदर जाने का अलाउ करता है। मिस लॉरेंस के अंदर जाते ही जून बिल्डिंग के दूसरी तरफ की वॉल से अपनी बेटी एलिजाबेथ को महसूस करने की कोशिश करती है और वो वॉल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए जून उसको पार नहीं कर सकती और गार्ड उसको वहां से लेकर चला जाता है। मिस लॉरेंस को भी गार्ड अंदर घुसने नहीं देते हैं और मिस लॉरेंस अपना आपा खो ही रही थी कि तभी जून उन्हें संभाल कर अपने साथ में घर वापस ले आती है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि फ्रेड और सेरेना का रिश्ता ठीक तो हो रहा था और फ्रेड यहाँ पर सेरेना को बताता है कि कनाडा की सरकार उनके साथ समझौता करना चाहती है और जल्दी उनकी बेटी निकोल उनके पास होगी। फ्रेड को अपनी जॉब की तरफ भी ध्यान देना होगा, तो सेरेना उसको थोड़ा टाइम दे देती है। यहाँ पर कनाडा में
प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से सभी प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें मोरिया और ग्लेनोवा भी शामिल थी। और यहाँ पर दोनों गलियट में किए गए अपने क्राइम के बारे में बातें कर रहे थे। मोरिया ने जो मर्डर किया था उसका उसे कोई गिल्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी उनके साथ बहुत जुर्म किए थे। अब अगले दिन सभी हेनमेट को फिर से किसी को फांसी लगवाने के लिए बुलाया जाता है। और जून को अब तक ये पता था कि किसको फांसी लगने वाली है, पर मोनी से उसको पता लगता है कि कल से मैकेंजी के घर के लोग गायब हैं। तभी जून देखती है कि वहाँ पर फांसी देने के लिए रीटा, परकर और उन सभी को जो भी एलिजाबेथ से मिलने में जून की मदद कर रहे थे उनको फांसी दी जाती है। रीटा की आंखों में हम वो डर देखते हैं जहाँ पर वो जून की मदद करने की वजह से मरने वाली थी। जून को भी ऑर्डर की वजह से मजबूरी में उनको फांसी देना पड़ती है। फिर तभी लिंजी से जून को पता लगता है कि ये सभी बातें लिंजी नहीं अथॉरिटीज को बता दी थी। और ओलिविया के कहने पर लिंजी जून पर नजर रख रही थी, लेकिन लिंजी यहाँ पर जून का नाम नहीं आने देती है और उस वजह से जून मौत की सजा से बच जाती है। और ये सब जानकर जून लिंजी पर बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और बाकी की हैंडमेड्स किसी तरह जून को रोकते हैं लिंजी को मारने से। यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म होता है और यहीं से शुरू होता है एपिसोड 8, जहाँ पर हम एक हैंडमेड को देखते हैं जिसकी डिलीवरी होने वाली थी और सारी हैंडमेड वहाँ पर उसके केयर कर रहे थे। वहीं पर लिंजी भी थी, पर जून और बाकी की हैंडमेड्स उसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे और ये बात हेना नोटिस करती। उसे ये चीज पसंद नहीं आती है और इस बारे में जून से बात करती है। जून के मुताबिक लिंजी की वजह से ही रीटा और बाकी के लोगों की जान गई, तो लिंजी को इस बात का रियलाइजेशन होना जरूरी भी था। भले ही लिंजी को ये ओलिविया ने करने को कहा था, पर गलती इसमें लिंजी की भी बहुत बड़ी है। लिंजी की तरफ बाकी हैंडमेड का रूड बिहेवियर एरिका नोटिस कर लेती है और वो जून को ये सब बंद करने के लिए कहती है। जून एरिका को ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही वो सब लिंजी के साथ में ऐसा कुछ कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद एरिका हैंडमेड के साथ एक मीटिंग करती है, जिसमें वो बाकी हैंडमेड के जरिए जून को ऐसा जताती है कि रीटा और बाकी सबकी मौत की जिम्मेदार जून है। जून अगर अपनी बेटी को पाने की जिद नहीं करती तो आज वे सभी जिंदा होती। एरिका के मुताबिक जून की वजह से एलिजाबेथ अब घर पर अकेली रह गई है और इस टाइम पर उसके साथ में रेप या कुछ भी पूरा हो सकता है और ये सब गलती जून की ही है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अभी सुनकर जून एरिका को बता देती है कि लिंजी अपने बेबी को पैदा नहीं करना चाहती है और ये बात खुद लिंजी ने एक बार जून को बताई। लिंजी यहाँ पर बताती है उसने बस एक बार के लिए ऐसा सोचा था कि अगर उसकी बेबी लड़की हुई तो उसका फ्यूचर गलियट में खराब हो सकता है, जो कि लिंजी कभी भी नहीं चाहती थी। एरिका यह सब सुनकर हैंडमेड के जरिए लिंजी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करती है और इन सब से लिंजी बहुत ही शर्मिंदा होती है। अब कहानी फिर से पास्ट में आती है, जहाँ पर हमें अब एरिका की लाइफ दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि नए लॉक के पहले एरिका एक स्कूल की टीचर थी जो कि सबकी मदद किया करती थी और खासकर एरिका बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती थी। बच्चे हमेशा सेफ रहे एरिका बस यही चाहती थी। अगेन प्रेजेंट टाइम में जून मिस्टर लॉरेंस से एलिजाबेथ के बारे में पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन मिस्टर लॉरेंस जून को फिर से ये सब पूछने से मना करते हैं। मिस्टर लॉरेंस जून से गुस्सा थे क्योंकि जून की जिद की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। अब रास्ते में मिस्टर लॉरेंस जून से बात करने आते हैं और तब जून उनको बताती है कि उनकी वाइफ मिस लॉरेंस गलियट के ऐसे रूल देखकर उन रूल को मानकर घुट घुट कर जी रही है। मिस्टर लॉरेंस अगर चाहे तो मिस लॉरेंस को यहाँ से बाहर निकाल सकते, लेकिन मिस्टर लॉरेंस को तो अपनी वाइफ को अपने घर में और ऐसे देश में बनकर रखना था। मिस्टर लॉरेंस ये सारी बातें सुनकर जून को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर ये पता था कि जून की कही गई सारी बातें एकदम सच है। दूसरी तरफ एरिका दो एम्प्लॉय के साथ में मिलकर इस हेडमेट के लिए कौन सा कपल सही रहेगा ये तय करते हैं। और अगेन कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हमें फिर से एरिका की स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि एरिका का डिवोर्स हो चुका है और बहुत सालों से अकेली थी। एरिका की एक दोस्त एंडी के कहने पर एरिका अच्छे से रेडी होकर एक क्लब में जाती है और वहीं पर एरिका की मुलाकात मैक्स से होती है और ये मुलाकात उन दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल थी। दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं और फिर पार्टी के बाद में एरिका मैक को घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर मैक और एरिका एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन एरिका को जल्दी ये रियलाइज हो जाता है कि वो ये सब गलत कर रही है, क्योंकि मैक पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। फिर मैक के जाने के बाद में एरिका गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है और अगले दिन एरिका चाइल्ड अथॉरिटी को एंडी के खिलाफ कंप्लेन कर देती है कि एंडी अलग अलग मर्दों से रिलेशनशिप रखता है, बच्चे को उसकी जरूरत है लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देता है। एंडी का बेटा बिना धुले हुए कपड़ों में ही स्कूल आता है
और माइक के मना करने पर भी एरिका ये सारी बातें चाइल्ड अथॉरिटी को बोले जा रही थी, जिस कारण से एंडी से उसका बेटा अलग कर दिया जाता है और उसके बेटे के लिए एक नई फैमिली को खोजा जाता है। एंडी इस वजह से एरिका पर बहुत ही गुस्सा। फिर एंडी अपने काम में बिजी रहती है, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत ही प्यार करती है। उसका बेटा भी एंडी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन एरिका के इस कदम की वजह से एंडी और उसके बेटे दोनों की लाइफ खराब हो रही थी। एरिका का ये बिहेवियर देखकर माइक भी उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि एंडी की वजह से ही एरिका क्लब में गई थी और वहां पर वो माइक से क्लोज हुई थी, और इसका गुस्सा उतारने के लिए एरिका ने एंडी के साथ में ये सब किया था। अब फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जून अभी भी लिंजे से ठीक से बात नहीं कर रही थी। वो लिंजे भी अब अकेली पड़ गई थी। वो डरी डरी से रहती थी, बस एक हैना ही थी जो कि लिंजे से ठीक से बात करती थी। वहीं पर मार्केट में एरिका जून को बताती है कि जून को मिस्टर लॉरेंस के घर से निकाला जाएगा, क्योंकि मिस्टर लॉरेंस के घर में रहकर ही ग्लेनो भाग गई थी, और अब जून के साथ भी ये सब हो रहा है। और वहाँ पर मिस लॉरेंस भी दिमागी रूप से कमजोर है, जो एक बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एरिका से बात करने के दौरान जून नोटिस करती है कि उनके बुरे बिहेवियर से लिंजी भी दिमागी रूप से परेशान हो रही थी। जून जानबूझकर लिंजी के सामने हंस देती है, जिस वजह से लिंजी अपना आपा खो देती है और हेना पर वो वार कर देती है। इस वजह से एक गार्ड उसे पकड़ने के लिए आता है, तो लिंजी एक कांच की बोतल से उस गार्ड पर भी वार करती है, जिससे कि वो गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। लिंजी उस गार्ड का गन उठाकर एरिका को गोली मारने वाली थी, पर उससे पहले ही आर्मी के लोग लिंजी को गोली मारकर उसे जख्मी कर देते हैं। जून ये सारी चीजें देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि लिंजी के साथ में ऐसा कुछ होगा। और इसी के साथ में एपिसोड 7 और एपिसोड 8 भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि मिस लॉरेंस को लाइफ में कभी भी बच्चा नहीं मिला, जिस कारण से उनकी दिमागी हालत अकेलेपन में बिगड़ती गई। लिंजी ने भी यहाँ पर हेलमेट का नहीं बल्कि अथॉरिटीज का साथ दिया और हेलमेट के प्लान के बारे में अथॉरिटीज को बता दिया, जिस कारण रीटा और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। जून गुस्से में इसी बात का बदला लिंजी से लेने लगी थी और बाकी हेलमेट के साथ मिलकर लिंजी को नीचा दिखाने लगी थी। उसने बाकी हेलमेट के साथ मिलकर लिंजी को अकेला कर दिया था, जिस कारण लिंजी की दिमागी हालत बिगड़ गई थी और उसने ऐसा भयानक कदम उठाया। इस वाले एपिसोड में हमने एरिका की कहानी भी देखी कि एरिका अपने पास्ट में कैसी थी और आज वो कैसी है। लिंजी जो कि प्रेग्नेंट थी और गोली लगने के बाद में लिंजी के बेबी के ऊपर क्या असर हुआ होगा, ये हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो हमारे साथ में इस सीरीज में बने रहिएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए द हैंडमेड टेल्स सीजन 3 के एपिसोड 9 को लेकर आया हूँ। तो क्या लिंजी जिंदा बच पाएगी? क्या लिंजी का बेबी ठीक होगा? लिंजी को जो बुली किया गया था उसके लिए क्या जून के साथ बाकी हैंडमेड्स को भी सजा मिलेगी? जून का अगला प्लान क्या होगा, ये हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है लिंजी से, जिसको गोली लगने के बाद में लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था, और जब तक कि लिंजी का बेबी पैदा न हो, जून को उसके पास से बैठाकर जबरदस्ती लिंजी के लिए प्रार्थना करवाई जा रही थी। जून दो दिनों से वैसे ही बैठकर प्रार्थना कर रही थी, और जून की सजा यही थी। गोली लगने की वजह से लिंजी का बहुत सारा खून बह चुका था और लिंजी अब एक जिंदा लाश बन गई थी, और शायद बेबी पैदा होने के बाद लिंजी जिंदा भी ना बचे। लेकिन लिंजी की किसी को भी कोई फिक्र नहीं थी, सबको बस लिंजी के बेबी को बचाना था। अब हर दिन कोई ना कोई हॉस्पिटल में लिंजी के बेबी के लिए प्रार्थना करने के लिए आता था, और एक दिन वाइफ्स आती थी तो दूसरे दिन हैंडमेड्स। बाकी हैंडमेड्स को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिस तरह उन्होंने लिंजी को बुली किया था। अब एक दिन रात को जून लिंजी का लाइफ सपोर्ट हटाकर उसको मारने का सोचती है, ताकि लिंजी को इस तरह तकलीफ में जिंदा नहीं रहना पड़े। लेकिन उसी टाइम अलार्म बजने के कारण जून लिंजी को मार नहीं पाती है और पहले की जगह पर बैठ जाती है। वहां पर दो डॉक्टर आकर लिंजी को संभालते हैं, और किसी को भी जून की इस हरकत पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। अब अगले दिन फिर से कुछ हैंडमेड को लाकर लिंजी के बेबी के लिए प्रार्थना करवाई जा रही थी, और लिंजी ने जो हैना पर वार किया था उस वजह से हैना की एक आंख बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गई थी, और उसी कारण हैना अपनी एक आंख को छुपा रही थी। लेकिन एरिका के कहने पर हैना अपनी आंख छुपा कर नहीं रख पाती है। अब अचानक से लिंजी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, और जून के अलावा बाकी हैंडमेड को वहाँ से भेज दिया जाता है। अब डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन से
बेबी को पैदा करने की सोच रहे थे। सभी लोग जहाँ पर बेबी को बचाने के लिए गॉड से प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं जून दोनों की मौत के लिए गॉड से प्रार्थना कर रही थी। और एक तरीके से ये सही भी था, क्योंकि लिंसी जिंदा रहकर भी तकलीफ में थी और बेबी का फ्यूचर भी गलियट में अच्छा नहीं होने वाला था। जून की ऐसी सोच की वजह से एरिका उसे बेरहम हार्टलेस कहती है। अब जून एरिका से घर जाने की परमिशन मांगती है, क्योंकि जून को यहाँ पर बैठते हुए कई दिन हो चुके थे। जून भी अब कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन एरिका उसे जाने की परमिशन नहीं देती है। एरिका के मुताबिक आज जून की बुलिंग की वजह से ही लिंसी की ऐसी हालत है। जब तक लिंसी का बेबी अच्छे से डिलीवर नहीं होगा, तब तक जून को ऐसे ही रहना होगा। अब रात के समय जून एक डस्टबिन से ऑपरेशन का चाकू निकालती है और उससे लिंसी को मारने की सोचती है। जून के मुताबिक लिंसी कब की मर चुकी है और उसे बस बेबी के लिए जिंदा रखा गया था। लेकिन जून लिंसी को मार पाती उससे पहले वहाँ पर हैना आ जाती है। लिंसी ने भी हैना पर वार किया था, लेकिन फिर भी हैना चाहती थी कि लिंसी पहले की तरह ठीक हो जाए और उसे शांति मिले। जून हैना को बताती है कि अगर वे लोग लिंसी को मार दें तो लिंसी को इस पेनफुल प्रोसेस से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हैना ये सब नहीं चाहती थी, वो भी उनकी तरह ही एक हैंडमेड थी और उसके बेबी को भी बचाना बहुत ज़रूरी था। हैना जून से उस चाकू को मांगती है, पर जून हैना को वो चाकू नहीं देती है। हैना के मुताबिक जून पहले जैसी नहीं रही, वो अब बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। हैना की इस बात को सुनकर जून लिंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और फिर अगले दिन लिंसी के बेबी की खबर लेने के लिए वहाँ पर उसके मालिक आते हैं। जून ने अपने हाथों में उसी चाकू को छुपा कर रखा था और वो ये सोच रही थी कि वो उस चाकू से डॉक्टर को मारे या फिर लिंसी के मालिक को। तभी वहाँ पर सेरेना भी आती है और उनके जाने के बाद में जून सेरेना को अपने पास में बुलाती है उससे कुछ बात करने के लिए। सेरेना जब जून के पास में आती है तो जून सेरेना के ऊपर उसी चाकू से वार करती है, लेकिन किसी तरह सेरेना खुद को बचा लेती है। सेरेना के बस हाथ पर चोट आती है और जून इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि वो सेरेना से लड़ भी नहीं पा रही थी, और इसी के दौरान जून को भी चोट लग जाती है। सेरेना बाहर जाकर डॉक्टर को बताती है कि जून ने खुद को हार्म कर लिया है, लेकिन सेरेना डॉक्टर को ये नहीं बताती है कि जून ने उस पर भी वार किया था। और जून को सेरेना की ये बात बहुत अजीब लगती है। डॉक्टर जून के जख्मों की सिलाई और पट्टियां करने लगते हैं। फिर जून और डॉक्टर कुछ देर तक बातें भी करते हैं। जून डॉक्टर को बता देती है कि उसने सेरेना पर भी हमला किया था और वो उसे और लिंसी को भी मारने वाली थी। लेकिन डॉक्टर ये समझते थे कि इन सब सिचुएशन की वजह से जून मेंटली डिस्टर्ब हो गई है और इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया था। डॉक्टर भी हैंडमेड की लाइफ को और उनकी परेशानी को समझता था और वो जून को फिर से ऐसा कदम उठाने के लिए मना करता है। अब उसी रात लिंसी की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकलने लगता है। अब टाइम से पहले ही डॉक्टर को सीजेरियन ऑपरेशन करके बेबी को डिलीवर करवाना पड़ता है। हम देखते हैं कि बेबी तो ठीक था, लेकिन लिंसी अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी, और इसी के साथ में सीन यहीं पर कट होता है। हम देखते हैं कि जून को अब घर जाने की परमिशन मिल चुकी थी, पर उसे लिंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर बाहर जाते टाइम जून को एक टीनेज लड़की मिलती है और उस लड़की से बात करते टाइम जून महसूस करती है कि यहाँ की लड़कियों को बस यही सिखाया जाता है कि वो बस बेबी पैदा करने के लिए बनी है। वे लड़कियाँ भी अपनी लाइफ में बस यही करना चाहती थी। अथॉरिटीज़ ने उन लड़कियों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था। अब एरिका जून को घर पर लेकर जाने के लिए आई थी, लेकिन जून लिंसी का आखिरी वक्त तक उसका साथ में रहना चाहती थी, और इसीलिए एरिका भी जून को लिंसी के साथ कुछ देर रहने की परमिशन दे देती है। एरिका फिर हैना की इन्फेक्टेड आँख के लिए एक आई मास्क लाती है, जो कि हैना को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब इस तरफ जून लिंसी के पास में बैठी थी और जून लिंसी से माफ़ी मांगती है जो कुछ भी बुलिंग उसने उसके साथ में की थी। जून फिर लिंसी को बताती है कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और सभी लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जून ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि लिंसी का बेटा भी ऐसी जगह पर बड़ा हो। लिंसी का बेटा यहाँ से आज़ाद होना डिजर्व करता है। सिर्फ उसका बेटा ही नहीं, यहाँ के सभी बच्चे यहाँ से आज़ाद होना डिजर्व करते हैं, और जून जितना हो सके उतना बच्चों को गलियट से बाहर निकाल कर रहेगी। और इसी के साथ में एपिसोड 9 भी यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि बेबी को पैदा करवाने के लिए लिंसी को लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था और किसी को भी लिंसी की नहीं पड़ी थी, सभी को बस लिंसी का बेबी चाहिए था। जून भी यहाँ पर अपनी दिमागी हालत खोती हुई नजर आती है, और हमने ये भी देखा कि गलियट की लड़कियों को अथॉरिटीज़ यही सिखाती है कि उन्हें बड़ा होकर बच्चे पैदा करना है। जून को भी यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसने लिंसी को बुली करके ठीक नहीं किया था, और उसकी वजह से आज लिंसी की यह हालत थी।
एपिसोड के लास्ट में हम जान पाते हैं कि जून के कुछ बच्चों को कैलेट से निकालने का इरादा बना लिया था और अभी देखना होगा कि जून अपने इरादे में किस हद तक कामयाब हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके जरूर जाना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। You can't hold us. अब तो जून गैलेट के बच्चों को गैलेट से निकालने के लिए कौन सा प्लान बनाएगी? क्या मिस्टर लॉरेंस इन बच्चों को गैलेट से निकलने में जून का साथ देंगे? आखिर सेरेना ने जून के अटैक करने वाली बात क्यों छिपाई थी? यही हमें एपिसोड 10 और एपिसोड 11 में पता चलने वाला है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जून और एरिका से। एरिका जून को वापस मिस्टर लॉरेंस के घर छोड़ने जाती है और एरिका जून को रेस्ट करने का कहकर वहां से चली जाती है। फिर एरिका के जाते ही जून क्लोरा से बात करने आती है और जून क्लोरा से ये पूछती है कि कोई ऐसा आदमी है जो कि बच्चों को गैलेट से निकालने में उनकी मदद कर सकता है। वो उन सभी को गैलेट से निकालना चाहती थी। जून की बातें सुनकर क्लोरा भी हैरान थी और ये काम करने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत थी क्योंकि ये काम आसान नहीं था। फिर कुछ देर के बाद में जून मिस्टर लॉरेंस से बात करने लगती है। मिस्टर लॉरेंस जून को उनकी वाइफ से दूर रहने को कहते हैं। उनके मुताबिक उनकी वाइफ घर पर ही सेफ है। जून उनको याद दिलाती है कि वो उनकी वाइफ को पूरी लाइफ कैद करके नहीं रख सकते हैं, उन्हें अपनी वाइफ को आजाद करना होगा। गैलेट के बाहर ही उनकी वाइफ नॉर्मल लोगों की तरह रह सकती है और मिस्टर लॉरेंस भी जून की बातों को थोड़ा सोचते हैं। अब अगले दिन जून मार्केट जाने लगती है। अब तक जून के जो भी वॉकिंग पार्टनर थे सभी लोग मर चुके थे और बाकी के हैंडमेड अब जून से दूर रहने लगी थी। जून मोनी को अकेला पाकर उससे बात करने के लिए जाती है और अपने अगले प्लान के लिए मोनी से मदद मांगती है, लेकिन सब आर्मीज और गार्ड हैंडमेड्स और बाकी लोगों पर नजर रख रहे थे तो मोनी जून की मदद करके कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। फिर तब जून मोनी को उनके डिस्ट्रिक्ट में कितने हैंडमेड थे ये पता लगाने को कहती है, लेकिन मोनी को दूसरों की तरह सजा पाकर फांसी पर नहीं चढ़ना था। फिर सभी हैंडमेड को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर फ्रेड कमांडर और सेरेना आते हैं। फ्रेड और कमांडर जब बाकी हैंडमेड के प्रेगनेंसी की प्रोसेस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे तब सेरेना जून के पास जाकर उसका हालचाल पूछने लगती है। फिर कमांडर जून के पास आकर मिस्टर लॉरेंस के बारे में पूछते हैं और तब जून भी उनको बताती है कि मिस्टर लॉरेंस उससे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में बिहेव करते हैं। अब घर जाने के बाद में जून को क्लोरा से पता लगता है कि मिस्टर लॉरेंस घर पर नहीं है और तब वो उनके स्टडी रूम में जाकर कुछ खोजने लगती है, लेकिन वहाँ पर मिस लॉरेंस आती है तो जून वहीं रुक जाती है। जून मिस लॉरेंस को बता देती है कि वो हैंडमेड के बच्चों की लिस्ट को खोज रही है और तब मिस लॉरेंस जून को बताती है कि मिस्टर लॉरेंस हैंडमेड के बच्चों की फाइल नीचे बेसमेंट में रखते हैं। मिस लॉरेंस यहाँ पर जून की मदद कर रही थी और वो जून को खुद बेसमेंट में ले जाकर वो फाइल ढूंढने में मदद करती है। वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं था और जून मिस लॉरेंस को भी गैलेट से बाहर निकलने के बारे में बता देती है, लेकिन मिस्टर लॉरेंस आर्मी में थे जिसने दूसरे देश के कई आर्मी को मारा था और इसी वजह से दूसरे शहर में उनको पूरी जिंदगी जेल में डाल दिया जाएगा और मिस्टर लॉरेंस के बिना मिस लॉरेंस भी गैलेट छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ फ्रेड सेरेना और कमांडर से बात कर रहा था। फ्रेड को मिस्टर लॉरेंस पर शक हो रहा था, भले मिस्टर लॉरेंस गैलेट के लिए वॉर में लड़े हो, उनके घर में अब तक जितनी भी हैंडमेड गई थी वहाँ पर अभी तक कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और ग्लेनोवा तो वहाँ से कनाडा भी भाग चुकी थी। उनके घर के अंदर क्या चलता है यह किसी को भी नहीं पता था और तब कमांडर भी फ्रेड की इस बात पर ध्यान देते हैं। जून इस तरफ हैंडमेड्स के पहले के बच्चों के रिकॉर्ड देख रही थी और उन बच्चों को किसी न किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और उनका नाम तक बदल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बच्चे किसी न किसी वजह से मर रहे थे। जैसे कि हेना का बेटा जो कि 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुका था, क्योंकि किसी और के बच्चों को अगर उसकी मर्जी के खिलाफ अपना बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा। फिर उसी रात मिस्टर लॉरेंस के घर पर सेरेना, एरिका, फ्रेड और कमांडर आते हैं। वे सभी लोग वहाँ पर सेक्स सेरेमनी के लिए प्रार्थना करने आए थे और सेरेना ने जून और मिस लॉरेंस को पहले बता दिया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे सभी मिस्टर लॉरेंस को आज ही सेक्स सेरेमनी करने के लिए कहते हैं और वे लोग अपने साथ में एक डॉक्टर को भी लेकर आए थे ताकि उनको पता चले कि मिस्टर लॉरेंस और जून इंटीमेट हुए हैं या नहीं। मिस लॉरेंस नहीं चाहती थी कि मिस्टर लॉरेंस किसी और के साथ में इंटीमेट हो, लेकिन अगर उन्होंने सेक्स सेरेमनी नहीं की तो उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। किसी तरह मिस लॉरेंस को संभाल कर उनको समझा कर जून और मिस्टर लॉरेंस इंटीमेट होते हैं
जून मिस्टर लॉरेंस को यह सब एक जॉब की तरह करने को कहती है। अपने पति को किसी और के साथ में इंटीमेट होता हुआ देखकर मिस लॉरेंस और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और सेरेना भी मिस लॉरेंस के पास जाकर उनको संभालती है। डॉक्टर आकर जून को चेक करते हैं और कहते हैं कि उनकी सेक्स सेरेमनी सक्सेसफुल रही और तब वे सब वापस अपने अपने घर पर चले जाते हैं। जाने से पहले फ्रेड जून से पूछता है कि क्या वो ठीक है और तब जून भी फ्रेड को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसे फ्रेड के साथ में इंटीमेट होना नहीं पड़ा है। मिस्टर लॉरेंस भी इस इंसिडेंट से बहुत ही दुखी थे और वो जून को पिल्स देते हैं ताकि जून प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि जून ने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए पिल्स ली है तो उसको भूखे कुत्तों के साथ में बंद कर दिया जाएगा जो कि उसको जिंदा ही खा जाएंगे। तो जून वो पिल्स को नहीं लेती है और ऐसा फोर्सफुल सेक्स जून को करने के लिए कई बार मजबूर किया गया था और ये उसके लिए अब कोई नई बात नहीं थी। मिस्टर लॉरेंस जून को प्रॉमिस करते हैं कि वो बच्चों को गलेट से निकालने के लिए जून को एक ट्रक देंगे और साथ ही वो मिस लॉरेंस को भी गलेट से बाहर जाने देंगे। जून मिस्टर लॉरेंस को भी गलेट से बाहर उनके साथ में चलने को कहती है, लेकिन मिस्टर लॉरेंस गलेट से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। अब अगले दिन जून मार्केट में जा रही थी और मोनी जून को देखकर उसे इग्नोर कर रही थी। तभी जून मोनी को उसके पहले बेटे के बारे में बताती है कि वो इस टाइम कहाँ पर है और किसने उसको अडॉप्ट किया है और तब मोनी भी जून की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। जून सबको वहां से तो निकाल देगी लेकिन एलिजाबेथ के बिना जून गलेट से बाहर कभी नहीं जाएगी और अब हैना भी उनके इस प्लान में शामिल हो गई थी। हैना जून को अपने बेटे के बारे में पूछती है और जून हैना को झूठ बोल देती है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक है और उसकी फैमिली अब कैलिफोर्निया में है। हैना अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इसीलिए जून हैना को नहीं बताती है कि उसका बेटा अब मर चुका है। दूसरी तरफ सेरेना फ्रेड को समझा रही थी कि फ्रेड ने गलेट के लिए इतना कुछ किया फिर भी गलेट कनाडा से निकोल को नहीं ला पाया और अब उनको गलेट नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। सेरेना फ्रेड को मार्क के बारे में बताती है जो कि निकोल को पाने में उनकी मदद कर सकता है और साथ ही सेरेना फ्रेड को मार्क का दिया हुआ सैटेलाइट फोन में दिखा दी है। बस उनको गलेट हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इस तरफ मिस्टर लॉरेंस के घर पर बहुत सारे कपकेक्स आए थे और असल में क्लोरा ने बहुत से लोगों को सीक्रेटली पूछा था कि क्या कोई बच्चों को गलेट से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकता है, अगर मदद करेगा तो वो उनको कपकेक्स भेज दे। लोगों के जवाब में बहुत सारे कपकेक्स उनके पास में आए हैं और सभी लोग उनकी मदद करना चाहते थे, मतलब कि लोग अब भी हिम्मत करके वहां से निकलना चाहते थे। यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म होता है और यहीं से शुरुआत होती है एपिसोड 11 की, जहाँ पर जून का प्लान था कि वो लोग 52 बच्चों को वहां से बाहर निकालने वाले थे। तभी जून को स्टडी रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब वहां पर जाकर देखती है तो मिस लॉरेंस गन लेकर खड़ी थी। मिस लॉरेंस अब भी इस बात से गुस्सा थी कि मिस्टर लॉरेंस किसी और के साथ में इंटीमेट हुए थे। जून मिस लॉरेंस को समझाती है कि वो मिस्टर लॉरेंस को न मारे क्योंकि वही एक है जो कि गलेट से बच्चों को निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं। फिर जून के बहुत समझाने के बाद में मिस लॉरेंस जून को गन दे देती है और शांत हो जाती है। अब कुछ देर के बाद में मिस्टर लॉरेंस और जून एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी जान बचाने के लिए मिस्टर लॉरेंस जून को थैंक यू कहते हैं। जून मिस्टर लॉरेंस से कुछ और ट्रक्स मांगती है क्योंकि गलेट से बहुत सारे बच्चों को निकालना था। मिस्टर लॉरेंस भी जून की इस बात को मान जाते हैं और अगले दिन फ्रेड और सेरेना गलेट से कुछ दूर बॉर्डर पर मार्क से मिलने जाते हैं। इस तरफ मिस्टर लॉरेंस के बेसमेंट में कुछ मेट्स जून के प्लान के बारे में जानने के लिए आई थी। जून के प्लान से मेट्स डर भी रही थी क्योंकि बच्चे अगर गायब होंगे तो सवाल उनसे सबसे पहले पूछा जाएगा और वैसे भी उन मेट्स के चिप से भागने के अलग अलग प्लान थे। जून उनको ये यकीन दिलाती है कि वो उनके प्लान में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दूसरी तरफ सेरेना और फ्रेड रास्ते में थे और नए लॉ के बाद से आज तक सेरेना ने कार नहीं चलाई थी, लेकिन अब वो दोनों कनाडा जाकर आजाद होने वाले थे तो फ्रेड खुद सेरेना को कार चलाने को कहता है। तब सेरेना पहले की तरह ही कार चलाती है और बहुत खुश भी थी और रास्ते में वे लोग एक घर पर आकर रुकते हैं। अब इस तरफ जून ये देखती है कि मिस्टर लॉरेंस घर पर नहीं थे और उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी फाड़ दिया था। जून को उनके केबिन में एक छुपा हुआ टेलीफोन मिलता है और जून उसे कॉल मिलाती है लेकिन वहां पर कोई बात नहीं करता है। जून फिर क्लोरा को उसी प्लेन वाले से बात करने को कह देती है क्योंकि अगर कोई प्लेन गलेट से अंदर आ सकता है तो वो गलेट से बाहर भी जा सकता है, लेकिन क्लोरा इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब रात को जून अपने प्लान को पूरा करने के लिए क्या प्लान बनाए इसके बारे में सोच रही थी क्योंकि मिस्टर लॉरेंस ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया था जिसमें बहुत सारे बच्चों के नाम भी थे। तभी वहां पर मिस्टर लॉरेंस आते हैं और जून उनसे इन्हीं बातों की वजह से नाराज थी। मिस्टर लॉरेंस के मुताबिक अब बॉर्डर पर और भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और अब वहां से उनके ट्रक्स को नहीं निकाल सकते थे। तब जून मिस्टर लॉरेंस को सिटी तक ले जाने को कहती है।
मिस्टर लॉरेंस जो उनके कहे हुए जगह तक उसे ले जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ पर एक बार फ्रेड उसे लेकर आया था। यहीं पर सीक्रेटली सेक्स पार्टी हुआ करती थी। जून वहाँ पर बार के पास बैठती है और बारटेंडर बिली से बात करती है। जून बिली से प्लेन में लॉरेंस की वाइफ और 52 बच्चों को गलियट से निकालने के लिए मदद मांगती है और बदले में मिस्टर लॉरेंस उनके घर का बहुत सारा एंटिक सामान और पैसे देंगे। बस प्लेन तक पहुंचने के लिए बिली बस और उनको बस 24 मिनट का टाइम दे, लेकिन बिली के लिए 20 मिनट से ज्यादा रुकना उसके लिए खतरा बन सकता था, लेकिन एंटिक सामान के लालच में बिली मान जाता है। जून वहां से जा ही रही थी पर तभी वहां पर कमांडर आते हैं जो कि जून को देखकर उसको रूम में लेकर जाते हैं। कमांडर को शक न हो इसलिए जून उनको बोलती है कि वो यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस के साथ में आई है, वो खुद अंदर नहीं आए हैं और उन्होंने सिर्फ जून को ये प्लेस देखने के लिए भेजा है। वो कमांडर यहाँ पर जून के साथ में इंटीमेट होना चाहता था और अगर जून उनको मना करती तो यहाँ पर उसके लिए आना खतरा बन सकता था। जून खुद को ही समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने पहले भी किया है, बस उसको ये सब इग्नोर करके सब कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन जब कमांडर जून के पास आता है तो जून खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और कमांडर को लात मारती है। बदले में कमांडर भी जून को बहुत मारता और पीटता भी है। कमांडर जून का रेप करने वाला था पर जून एक पेन से उस पर वार करती है और उसको बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। फिर वो एक पत्थर की मूर्ति से उसका सर पर वार करती है जिससे कि कमांडर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसी टाइम वहाँ पर एक मेड आती है लेकिन वो किसी को जून के बारे में नहीं बताती है क्योंकि जून ने जो 5 औरतों को उस पॉइजन कॉलोनी से बचाया था वो मेड उनमें से एक थी। वो मेड जून को वहाँ से छुपाकर निकालने का रास्ता बनाती है और जून वहाँ से निकलकर मिस्टर लॉरेंस की कार में आकर बैठ जाती है। अब अगले दिन फ्रेड और सेरेना एक सुनसान जगह पर मार्क का वेट कर रहे थे और मार्क उनको एक दूसरे जगह पर बुलाकर ले जाता है। मार्क उनको गलियट से बहुत ही दूर कनाडा की बॉर्डर पर लेकर आ गया था। वहाँ पर फ्रेड को कनाडा की आर्मी लोगों पर टॉर्चर करने और रेप की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं। सेरेना को भी आर्मी एक अलग गाड़ी में बिठा लेती है। अब अगले सुबह हम देखते हैं एक तरफ जून जहाँ पर कल रात के इंसिडेंट के बाद भी बिल्कुल शांत बैठी थी तो वहीं दूसरी तरफ उस मेड ने कमांडर के मर्डर वाली जगह से सारे के सारे एविडेंस मिटा दिए थे और अब तो जून के पकड़े जाने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता है। उस साथ ही उन मेड ने कमांडर की बॉडी को बर्नर में जला दिया था। मिस्टर लॉरेंस जून को एक गन देते हैं क्योंकि ऐसे प्लान में जून को इस चीज की जरूरत पड़ सकती है और इसी के साथ में ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इन दो एपिसोड में हमने देखा कि गलियट में अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि गलियट से निकलने के लिए सीक्रेटली प्लान बना रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बच्चों के निकलने में जून की मदद कर सकते थे। जून ने जिस तरीके से कमांडर को मारा था उससे जून को बहुत बड़ी सजा हो सकती थी, लेकिन जून ने एक बार मिस्टर लॉरेंस के कहने पर 5 औरतों को पॉइजन कॉलोनी से बचाया था और आज उन्हीं में से एक औरत की वजह से जून इस मर्डर से बच पाई थी। सेरेना और फ्रेड गए तो थे मार्क से मिलने ताकि उनको निकोल वापस मिल जाए, लेकिन यहाँ पर फ्रेड और सेरेना को ही अरेस्ट कर लिया गया था और हमें आगे पता चलेगा कि उन दोनों के साथ में कनाडा में क्या हुआ। तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप जल्दी से उस वीडियो को जरूर देखना। तो अब मैं आपसे